हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू करियर पावर 8247 बिलासपुर ब्रांच। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का मैं आशीष कुमार तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन DI के क्वेश्चन। तो DI जो है ऑलरेडी पीछे के सेशन में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। प्रीवियस सेशन आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो उस सेशन को भी वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइप ऑफ DI और कैसे कैसे हम लेकर के जाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले उसके बारे में सारी चीजें पता चल सके। जैसे कि सबसे पहले टेबुलर चार्ट जो है टाइप ऑफ DI में लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम वहां पे कर चुके हैं, आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक टेबुलर DI का क्वेश्चन और हम बनाने वाले हैं। देन इसके बाद आज हमारा फोकस रहेगा पाई चार्ट, और मेरा प्रयास रहेगा कि पाई चार्ट के जितने भी वेरिएशंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आपको मैं कवर अप करा सकूं और आपको वो चीजें सिखा सकूं। तो आप लोग भी, मैं यही कहूंगा, आप लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठें, जिससे कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले आप खुद उनको ट्राई करें, देन इसके बाद में फिर मेरे सॉल्यूशन पे जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो टेबुलर चार्ट, ये चार्ट आपको याद होगा, ये वाला DI मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, वर्क के लिए दिया था कि आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, फिर हम इसके क्वेश्चन पे बात करेंगे और फिर हम आएंगे पाई चार्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, द टेबल शोज डेटा ऑफ पीपल ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज। 5 सिटीज हैं, कौन कौन सी? सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी और सिटी ई। इन सिटीज की बात की जा रही है, इन सिटीज में नंबर ऑफ पीपल का डेटा दिया है। सिटी ए में टोटल नंबर ऑफ पीपल 2,500, 2,000, 3,000, 3,500 and 4,500। बाकी सिटीज में भी वही सेम प्रोसेस आपको समझनी है। तो इस डेटा को आपको ध्यान से रीड कर लेना और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे आगे चल करके बनाएंगे। ठीक है, तो होप यू आप लोग इतनी बात सभी लोग को समझ में आई होगी, तैयार होंगे, रेडी होंगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने आ चुका है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करने का प्रयास करते हैं, फिर देखेंगे कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को उनको सॉल्व करेंगे और क्या आंसर निकलेगा। ठीक है, अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये रहा टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु आर वर्किंग आउट ऑफ 5 सिटीज इज। जितने टोटल मेल हैं जो वर्किंग है, तो सबसे पहले हम वर्किंग सिटीज को मार्क कर लेते हैं। सिटी ए में वर्किंग लोग हैं और 40% फीमेल है, दैट मीन 60%। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे हम कहेंगे 2500 का 60%। ओके, ये सिटी ए में वर्किंग मेल हो गए। फिर आ जाते हैं सिटी डी में वर्किंग है और सिटी ई में वर्किंग है। सिटी डी में वर्किंग मेल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपल 3500। हालांकि इसको हम वर्बली भी कर सकते हैं, आइए मैं वर्बली सॉल्व करके दिखा देता हूं वर्बली कैसे। आप सोचिएगा, दिमाग लगाइए, सिटी ए में टोटल 2500, हमें निकालना है 60%। तो सबसे पहले 10% की बात करें तो 10% कितना हो जाएगा, 250। 10% अगर 250 होगा तो 60% उसी का जस्ट कितना हो जाएगा, 6 times हो जाएगा। यानी सिटी ए में जो मेन है वर्किंग वो कितने हैं, 1500। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, इस 2500 का मैंने 60% निकाल लिया वर्बली। फिर आते हैं सिटी डी में 3500 का 20% फीमेल है, 20% मतलब 700। अगर 700 फीमेल है मतलब 80% क्या होंगे, मेल होंगे, 80% मेल। आप 3500 में से कितना माइनस कर दीजिए, 700 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2800। तो हम कहेंगे डी में फीमेल कितनी, जो सॉरी मेल वर्किंग कितने हैं, 2800 हैं। फिर इसके बाद सिटी ई में आ जाते हैं वर्बली, यहाँ भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे 4500। ओके, 4500 का 60% क्या है, फीमेल है। अगर 60% फीमेल है तो मेल कितने होंगे, मेल होंगे 40%, राइट। तो 450 होगा 10%, 4500 का हमें निकालना है 40%। तो 40% निकालने से पहले 4500 का 10% 450, 20% जस्ट डबल 900,
900 का डबल 40% कितना हो जाएगा 1800, तो हम लिख लेंगे 1800, बस इन सभी को ऐड कर देते हैं आंसर 8 8 16 और 5 21, मतलब थर्ड डिजिट जो है 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहां से लिख दिया जाएगा। बाकी चाहिए तो आप ऐड कर लीजिए, देखिए 8 8 16 5 21, तो 2 2 4 2 6 6100, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा पहला नहीं, ठीक है। इसी के बाकी और क्वेश्चन चलिए आइए बात करें अदर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल और मेल फीमेल निकाल लेते तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता, वर्किंग नॉन वर्किंग तो एक ही है, कोई बात नहीं। चलिए टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ सिटी ए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ सिटी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ फाइव सिटी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ सिटी। फीमेल्स आप कहेंगे सर 2500 का 40%, डेफिनेटली वर्किंग नॉन वर्किंग से मतलब नहीं है, लेकिन 2500 का 40%, 10% देखेंगे तो 250, 20% 500, दैट मींस कितना होगा 1000 होगा, नहीं होगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज तो हम कहेंगे सिटी ए में फीमेल कितनी है सर 1000 है, और पांचों सिटी में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो 2500, 2 2 4 4 3 7 7 और 3 10 10 और 14, 14 1 15 15,500, राइट 15,500 into 100 सॉल्व कर दीजिए और आंसर 1000 upon 155, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, और वैसे मुझे लग रहा है 6.45 आएगा, तो 5 से कैंसिल करेंगे, हालांकि कितनी बार जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे 5 3 और 5 1, 5 से कैंसिल करेंगे 200 upon 30, 100 upon 30 होता तो हम कहते 100 upon 30 मतलब 10/3 यानी 3.33, उजिक का जस्ट डबल यानी कितना हो जाएगा 6.45, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए और बताइए कि आप सभी को ओके है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए भाई सभी लोग। ठीक है ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.45। ओके क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ते जाना और सॉल्व करते जाना। एवरेज नंबर ऑफ मेल पीपल ऑफ सिटी ए एंड सिटी सी इज, मेल पीपल ए और सी का मेल पूछ रहा है, ए में मेल अगर अभी हमने निकाला था फीमेल 1000 तो मेल कितने 1500, ए में मेल है 1500 प्लस सी में मेल कितने होंगे 3000 का, 3000 का आप देख सकते हो सी में 3000 का 25% यानी 1/4 होगा 750 अगर हो गए कौन फीमेल तो 2250 होंगे मेल प्लस 2250 upon 2, डेफिनेटली हमारे आंसर में 50 दिख रहा है तो 75 होना पक्का आंसर है। 2215 कितना हो जाएगा 2215 3750 और बटे 2 कर देंगे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा यहां से हमारा 1875 ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, आप सभी लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं बच्चों में, और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, चले आगे क्लियर है सभी को यहां तक, ठीक है ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ फाइव सिटीज टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम फाइव सिटीज, नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ फाइव सिटीज, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ही लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं आपको याद होगा 25,000 का 400 मतलब सर 1000, ठीक है, फिर इसके बाद 2000 का 50% मतलब यहां भी 1000, बी में भी 1000, सी में बात करें 3000 का 25% यानी कि 750, डी 3500 का 20% यानी कि 700 और ई 4500 का 60%, तो आपने निकाला था 1800 वो था तो 2700, ठीक है। इन सभी का सम अगर करते हैं कितना आएगा 2000 आएगा, 2 और 2 हो गया 4000 और 7 3 21 6150 रेशियो, सही है 2000 2 2 4000
4000 हो गया और 7321 6150 बिल्कुल सही। और टोटल नंबर ऑफ पीपल हमने पीछे निकाला भी था आप लोग को याद हो अगर 15500 पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 1010 यहाँ कैंसिल हो गया है ना, और क्या कैंसिल हो सकता है, 5 से जाएगा और 5 से 3 जाएगा, 5 से 1 जाएगा 0 3 123 रेशियो 301 310 123 अनुपात 310 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में, अगर आपने पहले टेस्ट टेबल बना रखी होती तो इतना भी आपको सॉल्व नहीं करना। अगले क्वेश्चन पे बात करें, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ नॉट वर्किंग मेल एंड नंबर ऑफ नॉट वर्किंग फीमेल, नॉट वर्किंग मेल और नॉट वर्किंग फीमेल का डिफरेंस पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप नॉट वर्किंग वालों को मार्क कीजिए, ध्यान सुनिएगा, नॉट वर्किंग वालों को मार्क करिए, केवल दो जगह है बच्चे नॉट, नॉट वर्किंग मेल और फीमेल टोटल का अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो बस यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सोचिए जरा कि सिटी बी में 50% फीमेल है जो कि नॉट वर्किंग, और उसी में 50% मेल होंगे जो नॉट वर्किंग होंगे, तो अगर 50-50 डिफरेंस निकाले यहाँ तो जीरो, यहाँ पे जीरो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25% अगर फीमेल है तो मेल पक्की बात है 50% होंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस 25%, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस इन द नॉट वर्किंग मेल एंड नॉट वर्किंग फीमेल, नॉट वर्किंग मेल एंड नॉट वर्किंग फीमेल, अगर हम इनको डिफरेंस की बात करें तो 50 होगा और ये 75, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये 75, इसलिए आंसर गलत होता दिख रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 75% मेल होंगे 75, दोनों में डिफरेंस कितना 50%, 50% ऑफ 3000, 50% ऑफ 3000 सर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व हो गया वर्ग, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हम डायरेक्ट यहीं से टेबल से सॉल्व करेंगे। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम चलेंगे आगे और बात करेंगे अगले टाइप के डीआई, अगले टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। अगला डेटा इंटरप्रिटेशन है पाई चार्ट, पाई चार्ट आप सभी को प्रॉपरली दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। इस पाई चार्ट को सबसे पहले आप ध्यान से रीड कर लीजिए, देन इसके बाद क्वेश्चंस इसके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, रीड द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट बुक सेलर, 5 अलग अलग बुक सेलर आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी ई दिख रहा है। अब ए बी सी डी ई में आप कंफ्यूज ना हो, कौन सा वाला ए है कौन सा वाला बी है, डार्क ब्लू जो है सबसे पहला वाला, ये वाला ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर दूसरा इसके बाद में आप देख सकते हैं बी, आप देखो ऑरेंज कलर, ये बी रहा, फिर इसके बाद सी रहा, फिर इसके बाद डी, और फिर इसके बाद लास्ट में ई। ओके, टोटल बुक सोल्ड कितनी है 720, तो चाहो तो आप टेबल बना लो, चाहो तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान है। हालांकि परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने और डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करने की भी जरूरत आगे चलती पड़ती है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहां ब्रीफ कर देता हूं, बता देता हूं, फिर आगे देखेंगे। अगर हम सिंपली यहां बात करें कि ये जो सर्कल है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, सर वो तो 360, और परसेंटेज में कितना 100%, दैट मींस हम कह सकते हैं 100% इक्वल्स टू 360 डिग्री, बस ये बात याद रखनी है। फर्दर अगर आपको और ब्रेक करना है तो कर सकते हो बच्चों, आप 20 से कैंसिल करोगे 5% जाएगा, 20 से कैंसिल करोगे 18 जाएगा, 5% इक्वल्स टू 18, सो 1% इक्वल्स टू 18 अपॉन 5, ओके इतना डिग्री हो जाएगा, एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 5/18%। बस ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करें। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, ध्यान से रीड करिए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और बात, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ बुक सोल्ड बाय सी एंड दैट ऑफ बाय डी, सी और डी के सेंट्रल एंगल का डिफरेंस पूछ रहा है, सी और डी के डिफरेंस पूछ रहा है, तो सी वाला ये रहा 25% राइट, एंड डी वाला 30%, दोनों में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस मिल रहा है सर 5%, पहले परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 5% दैट मींस 5/100 इंटू अगर आप कर दीजिए 360, बस हो गया ये डिग्री में कन्वर्ट, तो 20 से आप कहेंगे सर 5 जाएगा,
20 से सर 18 जाएगा, चाहो तो आप पिछला जो रिलेशन हमने यूज किया था वो भी यूज कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा कितना 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को क्लियर है समझ में। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बुक सोल्ड बाय बी एंड ई टुगेदर एंड टोटल बुक सोल्ड बाय ए। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप अलग से नंबर मत निकालो, परसेंटेज में खेलो इस क्वेश्चन में बच्चों। तो अगर हम बात करें सर, ए रहा, ये रहा हमारा बी 15%, ई रहा हमारा 10%, 10% और 15% हो जाएगा 25%। हमसे पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टोटल बुक सोल्ड बाय बी एंड ई, बी और ई सेल कर रहे हैं 25% टुगेदर और ए सोल्ड कर रहे हैं 20% अकेले, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 5%। तो व्हाट इज द 5% ऑफ 720? 720 का 5% आपको सर 10% 72, एक जीरो हटा दिए तो 5% उसी का हाफ यानी 36, बिना किसी कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और ट्राई करें। फाइंड द रेशियो ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर टू ए एंड ई टुगेदर। यहां पे फिर से आपको इस 720 डेटा का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमसे रेशियो पूछा जा रहा है बच्चों। तो जब हमसे रेशियो पूछ रहा है तो सिंपली रेशियो में वर्क करेंगे हम, बी और सी का एडिशन करें 15% और 25%, सर आया ये 40%, राइट। रेशियो ए एंड ई 20 और 10 को ऐड करते हैं कितना आएगा, सर ये आया 30%। सो रेशियो विल बी 4:3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बी एंड सी और ए एंड ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बी एंड डी, तो बी रहा 15, डी रहा 30, बी एंड डी टुगेदर दैट मींस ये सम आ जाएगा कितना 45%। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर, ए और ई का कितना आया 30%। सो क्वेश्चन हमसे सिंपली ये कह रहा है 45% 30% से कितना परसेंट ज्यादा, 45% 30% से कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले सिंपली हम बात करेंगे न्यूमेरिकली कितना ज्यादा है, सर न्यूमेरिकली 15 ज्यादा है, अपॉन देन के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो हमेशा डिनोमिनेटर में यानी उससे कंपेरिजन हो रहा है ए और ई, तो 15/30 × 100, तो हम कहेंगे परसेंटेज मोर इक्वल्स टू दिस। सो 15 से 30 1/2, दैट मींस आंसर विल बी 50%। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए सी एंड ई। बहुत इजी क्वेश्चन, ए सी एंड ई 20+10 = 30, 30+25 = 55, राइट। तो हम कहेंगे देयरफॉर एवरेज इक्वल्स टू, हम पहले परसेंटेज में ही एवरेज निकालेंगे, 55 सम हुआ, 55/3 इतना परसेंटेज मींस डिवाइडेड बाय 100 × 720, दिस इज द राइट आंसर। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से चला जाएगा 24, ठीक है, 2 से चला जाएगा 5 एंड 2 से जाएगा 12, 5 से जाएगा 11, 11 × 12 आंसर कितना हो जाएगा, ए सी एंड ई ए 20, सी 25, 45, 10, 55, 55/3 × 720, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे शायद, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, 55/3 × 100 × 720, 0 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 3 से जाएगा 1, 3 से जाएगा 24, 2 से जाएगा 5 एंड 2 से जाएगा 12, 5 से जाएगा 11, 11 × 12 आंसर आ रहा है 132, ऑप्शन में मिस्टेक है कुछ, ए सी एंड ई के द्वारा सोल्ड की गई बुक्स का एवरेज 132 आएगा, कहीं न कहीं डेटा में कुछ मिस्टेक होगी होगी इस वजह से, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ECDI का क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि मैंने कहा हमेशा आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई जरूर करें, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इफ ए एंड बी सोल्ड ईच बुक एट ₹15 and ₹18 रेस्पेक्टिवली, ए और बी, ए अपनी बुक्स को सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 15 रुपीज में और बी अपनी बुक्स को सेल कर रहे हैं 18 रुपीज में, फाइंड द टोटल रिवेन्यू गेट बाय ए एंड बी टुगेदर। तो सबसे पहले अगर हम ए की बात यहां पे लिख लें और बी की बात यहां पे लिख लें, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट ध्यान से देखो,
ए जो है टोटल कितना 20%, 20% ऑफ 720, सोचने की बात है सर 10% 720 का होगा 72, 20% जस्ट डबल, दैट मींस 144 इनटू हर एक बुक 15 में सेल की जा रही है, ये हो गई प्लस 15%, आप समझ सकते हैं 10% 32 है, सॉरी 72 है, 5% 36 होगा, 72 प्लस 36, 72 प्लस 36 15% कितना हो जाएगा 108, 108 into 18, this is the right answer. अब आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, लेकिन लास्ट टू डिजिट से पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, 15460 या कि पूरे निकाल लो, 15460 06, 15460 666, 15 15 6 21 और 18 8 144 44 हो गया, एक बच गया, और 18 और 1 19, 4 हो गया, 4 6 10, मतलब 0 आंसर आ चुका है, 9 1 10 1 11, 4104 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये डीआई समझ में आई होगी, कौन सी वाली, पाई चार्ट की। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब नया एक डीआई है, इस डीआई को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ सोप सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी ई। टोटल नंबर ऑफ सोप कितनी साबुन सोल्ड की जा रही है, 2800। ए जो है आपको इसीलिए लिख भी दिया, कलर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ए 10%, बी 25%, सी 20%, डी 30% एंड ई 15% दिया हुआ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को भी एक बार ट्राई करके देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूनिट्स ऑफ सोप सोल्ड बाय बी आर हाउ मच मोर और लेस देन सोल्ड बाय ए। तो मैं आप सभी बच्चों को जैसा पहले भी कहता रहा हूं, अगर आपको परसेंटेज या रेशियो चाहिए है, इस 2800 का कोई यूज नहीं है, इस 2800 का कोई भी यूज नहीं है, डायरेक्ट आप परसेंटेज से कर सकते हो। बी में कितना है 25%, ए में कितना है 10%, दोनों का हमसे बोल रहा है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है 15%, तो वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 280 10% होगा, हमें डिफरेंस कितना निकालना है बच्चों 15%। मेरा लॉजिक समझिएगा सारे लोग, वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे, 2800 का 10% मतलब एक जीरो हटा दीजिए 280, ठीक है, 5% मतलब हाफ 140, 280 का हाफ 140, 140 प्लस 280 करेंगे 2800 और 1442 होगा 420, ऑप्शन नंबर ए बी वर्बली सॉल्व। इस तरह से तरीके आपको सीखने हैं जिससे कि आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाए जल्दी से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सोप सोल्ड बाय ए सी ई टू एवरेज नंबर ऑफ बी एंड डी। अब यहां पे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमसे ए सी ई तीन जगहों का एवरेज और बी और डी का एवरेज बोला, अगर यहां पे तीन और तीन होता तो डिवाइडेड बाय 3 और 2 लिखने की जरूरत नहीं थी, बट नंबर ऑफ आर्टिकल्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों जगह पे अलग अलग है, इसलिए अलग अलग लिखना जरूरी हो जाए। एक ही बात करें, ए में कितना है 10%, सी में कितना है 20%, ई में कितना है 15%। चलो ऐड करें, 10 और 20 30, 30 और 15 कितना 45% डिवाइडेड बाय 3। रेशियो बी एंड डी 25 और 30 कितना 55, ऑब्वियस सी बात है 55/2 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 5 से जाएगा 9, 5 से जाएगा सर 11, 3 से जाएगा 3 टाइम्स 3 to 6, 6:11 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ यूनिट्स ऑफ सोल्ड सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका अपने को करना है, कुछ भी नहीं लिखना, बी और डी का पूछ रहा है 25% और 30%, 25% और 30% कितना हो गया बच्चों 55%, 55%। तो एक बात गौर करो, 360 का हाफ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 360 का हाफ कितना होगा सर 180, तो 180 से कम तो नहीं होना था, तो 152 आंसर नहीं, 144 आंसर नहीं, 168 आंसर नहीं, 176 भी आंसर नहीं, आंसर हो जाएगा ई, बिना सॉल्व किए आंसर निकल गया, और बाकी में सॉल्व भी कर दे रहा हूं, 55%, दैट मींस 55/100 इनटू कितना बच्चों 360 डिग्री, 0 0 खत्म, 5 से चला जाएगा 2, 5 से चला जाएगा 11 और 2 से चला जाएगा 18, 18 इनटू 11 हम सभी लोग जानते हैं बच्चों, मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं, 198 होगा डायरेक्ट आंसर, 8 8 प्लस 1 9, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द यूनिट्स ऑफ
soap sold by F are 45% more than units sold by A and E together. एक नया बात हो रहा है, F की बात हो रही है, F में A और E से 45% ज्यादा. A में है 10%, B में है 15%, सॉरी E में 10 और 15 कितना बच्चों 25%. 25% का 145%. आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, मेरे हिसाब से आपके लिए आसान है. इतना परसेंट ठीक है. ये कहां पे है? ये एफ में है. देन क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय एफ आर व्हाट परसेंट ऑफ यूनिट सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर. मतलब ये क्वेश्चन में ये एफ का जो हमने लिख रखा है बच्चों अपॉन में कर दीजिए किसका किसका, सी और डी का. सी का 20 है और डी का कितना 30 है. एक कितना परसेंट होगा 20 और 30 50% का इनटू कितना कर दीजिए 100. दैट्स इट, सॉल्व. आप देख लीजिए ये हो गया कैंसिल हो गया 100 अपॉन में आएगा 100 कैंसिल 25 से चला जाएगा तो 145/2 दैट मींस 72.5% विल बी द राइट आंसर. 72.5 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक अगला क्वेश्चन इसी डीआई पर बेस्ड है. ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से बनाएंगे. आप लोग को जैसा मैंने कहा कि वीडियो आप पॉज करके पेन पेपर लेकर के खुद से ट्राई पहले करिए, देन इसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को आप लोग देखिए. ठीक है, आइए बात करें. इफ रेशियो ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड अभी तक क्या था, ये सोल्ड का डेटा पूरा हमें दिया हुआ. सोल्ड टू अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ बी एंड ई इज 7:5 एंड 3:1. मतलब बी में सोल्ड रेशियो अनसोल्ड क्या रेशियो दिया है 7:5 और ई में सोल्ड रेशियो अनसोल्ड ये रेशियो क्या दिया हुआ है 3:1. ठीक है, ध्यान से देखिएगा सारे लोग 3:1. ओके, फाइंड द टोटल सोल्ड प्लस अनसोल्ड ऑफ टॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड ई टुगेदर. सोल्ड और अनसोल्ड का बी और ई का टोटल कितना होगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये का. अब सोचिए कि बी में सोल्ड कितना है. सर बी में सोल्ड है 25%, मतलब 1/4, 2800 का 1/4 700, मतलब 7 यूनिट कितने के बराबर बेटा 700. तो पक्की बात है ये 5 यूनिट कितने के बराबर होगा 500. ओके, अब आ जाइए ई में. ई में 15% 10% 280, 5% 140, मतलब 420. तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 420 है, दैट मींस 140 का मल्टीप्लाई यहां पे, तो 140 का मल्टीप्लाई यहां पे. अब बस हो गया, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व. इन चारों को ऐड कर दीजिए 7, 5, 1200, 12, 4, 1600, 1600, 1700, 1700 और कितना 40 और 20 60, 1760 ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन. तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आया. इसके बाद और भी डीआई के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए रहने दे रहा हूं. आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा अगले सेशन को आप लोग जरूर वॉच कीजिए. उस सेशन के उस जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उन क्वेश्चंस के सलूशन आपको अगले वीडियोस में मिलने वाले हैं. तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पाई चार्ट डीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है. अभी ऐसा नहीं कि पाई चार्ट में या टेबल ग्राफ में केवल इतना ही पढ़ेंगे आप, अभी इनके मिक्स्ड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे. मेरा मोटिव है आप बेसिक चीजों को पहले सीख सकें, फिर उसके बाद मिक्स्ड और थोड़े से मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको कराने वाला. तो थैंक यू आज के इस सेशन के लिए. मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए. थैंक यू एवरीवन.